लॉस सैंटोस में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ गया है जिसका नाम है ट्रिनिटर, और आज के दिन हम लोग उस खतरनाक से मॉन्स्टर को खोजने वाले हैं। एक और सुहाना दिन लॉस सैंटोस में, और उस ट्रिनिटर को खोजने के लिए हमें सबसे पहले अंडरग्राउंड जाना होगा, क्योंकि अंडरग्राउंड में एक शानदार सा ट्रेन स्टेशन है, तो हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं। ये देखो यार, हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं और ये असल में एक अंडरग्राउंड की तरफ जाने का रास्ता है। और यार ये वाला जो जगह है, ये देखने में कितना ज्यादा डरावना है यार। फ्रैंकलिन संभल के, कहीं मेरी ये शानदार सी कार पे स्क्रैच न लग जाए। तो चलो आराम से हम लोग आगे चलते हैं। ये देखो फ्रैंकलिन, ये वाला जो जगह है ये तो गजब का है। और एक सेकेंड, यहाँ पे दो दो टनल है। चलो हम लोग आराम से इस टनल के अंदर चलते हैं। क्या बात है, चलो यार। तो हम लोग चलते चलते इस जगह पे आ चुके हैं, और यार मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रेन से रिलेटेड कुछ काम होता है। हेलो सर, क्या हाल चाल है? हेलो, मेरा नाम फ्रैंकलिन है। सर, क्या आपको पता है कि ट्रेन ईटर कहाँ पे है? अरे यार, ये तो हमसे कुछ बोल ही नहीं रहा। रुको, हमें कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा। सर चुपचाप बताइए, ट्रेन ईटर कहाँ पे है? अरे यार, ये तो भाग गया। ये ले पट से हेडशॉट। चलो कोई नहीं यार, हम लोग जल्दी से अपनी शानदार सी लैम्बोर्गिनी में बैठते हैं और खुद के बल पे ही हम लोग जल्दी से उस ट्रेनिटर को ढूंढते हैं। यार मेरे ख्याल से जहाँ पे ट्रेन होगा वहीं पे हमारा ट्रेनिटर होगा। और एक सेकेंड, मुझे शायद से ट्रेन की आवाज आ रही है। रुको, हम लोग जल्दी से इस आवाज का पीछा करते हैं। अरे यार ये देखो, मेरा शक तो बहुत सही था, और यहाँ पे हमारे सामने एक शानदार सी रैम है। यार फ्रैंकलिन, हमें इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हम लोग जल्दी जल्दी से इसका पीछा करते हैं। और एक सेकंड यार, ये देखो, ये जो ट्रैम है इसके अंदर तो काफी सारे लोग बैठे हैं। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके अंदर अपना ट्रेनिटर हो। चलो कोई नहीं फ्रैंकलिन, हम लोग इस ट्रैम का पीछा करते हैं। और एक सेकंड यार, मेरी कार कैसा अटक गई है। फ्रैंकलिन बाहर से ट्राई करते हैं। ओ भाई, कितना बड़ा धमाका हुआ यार, ये कार तो काफी खतरनाक है। हम लोग इसे छोड़ते हैं यहीं पे और जल्दी से उस ट्रैम का पीछा करते हैं। अरे फ्रैंकलिन भाई, थोड़ा सा तेज चल ले यार, मुझे किसी भी तरह इस ट्रैम को छोड़ना नहीं है यार, प्लीज थोड़ा सा तो तेज चल। अरे यार ये देखो, अचानक से ये क्या जादू हुआ है। और यस यार, अब हम लोग कितना ज्यादा तेज चल सकते हैं। अब हम लोग जल्दी से उस ट्रैम का पीछा करते हैं। अरे यार यस, ये देखो ये ट्रैम रुक चुकी है। हम लोग जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। और अरे यार, यहाँ पे कैसा सारे लोग मर चुके हैं। यार मेरे ख्याल से ये जो ट्रैम है ना, ये पक्का इविल है। और अरे यार, ये जो ट्रैम है ये कैसा अचानक से चलने लगी है, और मेरे ख्याल से ये हमें ट्रेन ईटर के पास ले चलेगी। और अरे अरे यार, मेरा स्क्रीन कैसा अचानक से हिल रहा है। ओ नहीं, बचाओ मुझे। अरे यार फ्रैंकलिन, ये हम लोग अचानक से कौन से जगह पे आ चुके हैं। रुको, हम लोग खड़ा होते हैं और जल्दी से अपने पिस्टल को निकालते हैं। फ्रैंकलिन एकदम संभल के, यार यहाँ पे कितने सारे ट्रेन हैं। और एक सेकंड, सामने तो रास्ता है, चलो हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। अरे यार फ्रैंकलिन, ये देखो हमारे सामने एक कितना भयानक सा ट्रेन क्रैश हुआ है। यार मेरे ख्याल से ये जगह काफी ज्यादा डरावनी है। चलो यार फ्रैंकलिन, कोई नहीं, हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं और जल्दी से उस ट्रेन ईटर का कोई नामो निशान ढूंढते हैं। और एक सेकंड यार, ये देखो सामने से तो ट्रेन आ रहा, हमें यहाँ से जंप करना पड़ेगा। अरे यार ओके, संभल के यार, हम लोग कितना बाल बाल बचे हैं। चलो यार फ्रैंकलिन, अभी हमें जरा सा भी टाइम नहीं बर्बाद करना है, हमें जल्दी से ट्रेन ईटर को ढूंढना है। और एक सेकंड, सामने एक बाइक है। हेलो अंकल,
भाड़ में जाइए, हम लोग जल्दी से इनकी बाइक को लेते हैं और फटाफट से ट्रेन ईटर को ढूंढते हैं। यार चलो फ्रैंकलिन, हम लोग जल्दी से उस ट्रेन ईटर को ढूंढते हैं। और एक सेकेंड, तुमने सुना, हमें फिर से एक ट्रेन की आवाज आ रही है। यार हो सकता है वो ट्रेन ईटर आस पास हो। हम लोग अपने बाइक को यहाँ पे पार्क करते हैं और इस ऊपर वाली जगह पे चढ़ के उस ट्रेन ईटर को ढूंढते हैं। ओके, तो इतना मुश्किल से चढ़ते चढ़ते हम लोग इस वाले जगह पे आ चुके हैं। और फ्रैंकलिन, अब बारी है स्नाइपर की। हम लोग जल्दी से स्नाइपर को निकालते हैं और उस ट्रेन ईटर के किसी सबूत को ढूंढते हैं। लेकिन यार मुझे यहाँ आस पास कुछ भी ट्रेन ईटर से रिलेटेड नहीं दिख रहा। और अरे यार एक सेकेंड, यहाँ पे तो एक एबेंडेंड ट्रेन स्टेशन है। और यार ये कितना अजीब है, मेरे ख्याल से ट्रेन ईटर उसी जगह पे होगा। चलो फ्रैंकलिन मेरे शेर, हम लोग जल्दी से यहाँ से जंप करते हैं और वहाँ पे चलते हैं। जल्दी 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 इस बाइक पे बैठा जाए। और यार मेरे ख्याल से वो जो एबेंडेंड ट्रेन स्टेशन है वो सामने पे है। अरे फ्रैंकलिन, इतना भयानक जंप नहीं मारना था। ओ भाई ये देखो यार, हम लोग चलते चलते इस अबेंडेंड ट्रेन स्टेशन के पास आ चुके हैं। चलो जल्दी से इसके और पास जाया जाए। और क्या बात है यार, ये वाली जो जगह है ये देखने में कितनी डरावनी है। चलो फ्रैंकलिन आराम आराम से हम लोग और आगे चलते हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पे तो एक पूरा ट्रेन ट्रैक है। चलो तो 3, 2, 1 आराम से यहाँ से हम लोग जंप करते हैं। ए हे क्या बात है, हम लोग कितने आसानी से यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन यार मुझे यहाँ पे कोई एक्चुअल ट्रेन नहीं दिख रहा। और एक सेकेंड, ये तो जस्ट हमारे सामने है। लेकिन यार इसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है, इसके चारों तरफ सिर्फ जंग लग चुका है। लेकिन यार ये जो ट्रेन है ये असल में जा कहाँ रही थी? और अरे यार ये तो एक सीक्रेट अंडरग्राउंड ट्रेन टनल है। और तुम लोग देख सकते हो, मेरे ख्याल से ये ट्रेन इस सामने वाले टनल में जा रही थी। यार मुझे 100% वाली फीलिंग आ रही है कि जो हमारा ट्रेन ईटर है वो इसी अंडरग्राउंड टनल के अंदर है। लेकिन यार हम लोग इसके अंदर जाएंगे कैसे? ये तो पूरा ब्लॉक हो चुका है, हम लोग इसे गन से भी नहीं तोड़ सकते। रुको यार, मुझे कुछ मस्त सा आइडिया सोचने दो। और एक सेकेंड यार, तुम्हें तो याद ही होगा कि हमारे पास स्टिकी बॉम्ब है। हम लोग जल्दी से इस पूरे ट्रेन टनल की ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए यहाँ पे खूब सारे स्टिकी बॉम्ब लगा देते हैं। फ्रैंकलिन हमारे पास जितना भी स्टिकी बॉम्ब है सारे लगा देते हैं। ये देखो फ्रैंकलिन, ये हुई ना बात, हमने यहाँ पे कितने सारे स्टिकी बॉम्ब को लगा दिया है। लेकिन यार इतने में हमारा काम नहीं होने वाला, हमें इस ब्लॉकेज को पूरा क्लियर करने के लिए कुछ और एक्सप्लोसिव को ढूंढना होगा। यार फ्रैंकलिन हमें उस स्टिकी बॉम्ब से भी कुछ भयानक एक्सप्लोसिव को ढूंढना होगा। और एक सेकेंड, यहाँ पे कितने सारे रेडियो एक्टिव बैरल है। चलो यार फ्रैंकलिन कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी से इस रेडियो एक्टिव बैरल को अपनी इस बाइक पे बांध लेते हैं। चलो यार, तो मैंने इस तरह से इस रेडियो एक्टिव बैरल को अपने बाइक पे लगा दिया है। और अरे फ्रैंकलिन संभल के, अगर ये बैरल ब्लास्ट हो गया फिर तो गलत सीन हो जाएगा। चलो यार फ्रैंकलिन, तो हमें इस बैरल को जरा सा भी क्रैश नहीं करना है, यहाँ से जंप मारते हैं। ओ भाई बड़े मुश्किल से हम लोग इस जगह पे आ चुके हैं। चलो यार फ्रैंकलिन, तो अब बारी आ चुकी है कि हम लोग इस ब्लॉकेज को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मैं अपने पूरे के पूरे बाइक को इसी जगह पे पार्क कर देता हूँ। क्या बात है फ्रैंकलिन, अब तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होगा। तो चलो इसे ब्लास्ट किया जाए। अरे यार इस पे तो कुछ असर ही नहीं हुआ। यार मेरे ख्याल से हमें उस बैरल को एक्सप्लोड करने के लिए एक शानदार से आरपीजी की जरूरत पड़ेगी। तो चलो 3, 2, 1 और इसे ब्लास्ट करते हैं। अरे यार ये
देखो हम लोग इस तरह से उस अंडरग्राउंड टनल के अंदर आ चुके हैं। लेकिन एक सेकेंड यार, इसके अंदर भी कितने अजीब तरह के ट्रेन के पार्ट्स हैं। अरे यार फ्रैंकलिन, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और एक सेकेंड, तुमने सुना यहाँ पे कैसा अजीब सा आवाज आया था? यार मुझे बहुत डर लग रहा। और ये क्या यार, यहाँ पे तो अचानक से और भी ज्यादा अंधेरा हो चुका है यार। यहाँ का जो सारा लाइट्स है वो कट ऑफ हो चुका है यार, मुझे बहुत डर लग रहा। हेलो, कोई आसपास है? अगर कोई आसपास है तो प्लीज जवाब दो। यार ये कैसी जगह है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। यार फ्रैंकलिन संभल संभल के हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। और एक सेकेंड, सामने कोई तो है। और एक सेकेंड, तुमने सुना यहाँ पे कैसा ट्रेन का आवाज आ रहा? यार यहाँ पे तो ट्रेन आ चुकी है यार, असल में हो क्या रहा? और एक सेकेंड यार, अचानक से ये क्या हुआ और यहाँ पे सारी ट्रेन गायब हो चुकी है? मेरे ख्याल से ये जो खतरनाक सा ट्रेन ईटर है, इसने सारी ट्रेन को खा लिया है। और एक सेकेंड यार, ये देखो जो वो ट्रेन ईटर था हमारे पास में, वो यहाँ से गायब हो चुका है। यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यार फ्रैंकलिन चलो यार यहाँ से, आज के दिन बहुत हो गया एडवेंचर। तो अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना। तब तक के लिए पीस।